नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निडरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, सागर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा सागर में फिर एक हत्या हुई है, युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। गांव के रास्ते पर खून से लथपथ मिला है शव। गर्दन के पीछे और सीने पर किए गए हैं धारदार हथियार से वार। हम आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला जो है सागर के देवरी थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर ग्राम खजुरिया में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। गुरुवार सुबह युवक का शव गांव के रास्ते पर खून से लथपथ अवस्था में मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम आपको बता दें कि ग्राम खजुरिया में गांव के पास झमरा रोड पर गुरुवार सुबह युवक का शव मिला है। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। जांच में मृतक की पहचान सुरेंद्र उर्फ हल्ले पुत्र रेवाराम पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी खजुरिया के रूप में हुई है। वहीं मृतक की गर्दन के पीछे सीने और गाल पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। खून से लथपथ शव का पंचनामा बनाकर पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है। वहीं मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू की गई है। ग्रामीणों ने मृतक के संबंध में जानकारी निकाली जा रही है लगातार। हम आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और निकल कर सामने आई कि पत्नी जो है मायके गई हुई थी और बच्चा दादी के पास ही था। मृतक सुरेंद्र भाली गाँव में अलग पत्नी के साथ रहता था। वारदात के समय मृतक की पत्नी अपने माँ के गई हुई थी, वहीं उसका बच्चा दादी के पास था। इसी बीच सुबह सुरेंद्र का शव मिला है। देवरी थाना प्रभारी कमल सर ठाकुर के अनुसार खजुरिया गांव में युवक का शव मिला है। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं। शव का पोस्टमार्टम कराने के उपरांत रिपोर्ट जब आएगी तभी मामले का खुलासा हो पाएगा। पुलिस जाँच में जुटी हुई है, लेकिन शर्मनाक है। लगातार सागर में अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ समय से हत्याओं पर ब्रेक लगा हुआ था और आज फिर ये निर्मम हत्या हो गई। बड़ी खबर सागर से निकल कर आई है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।